In any correspondence of two triangles, if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the other, then the triangles are congruent. अगर हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल डी सी बी उसकी अपोजिट साइड पर मौजूद हो, जिनकी कॉमन बेस लाइन सेगमेंट बी सी इस तरह हो कि लाइन सेगमेंट ए एल लाइन सेगमेंट बी सी के परपेंडिकुलर हो, लाइन सेगमेंट डी एम लाइन सेगमेंट बी सी के परपेंडिकुलर हो और लाइन सेगमेंट ए एल लाइन सेगमेंट डी एम के कॉन्ग्रुएंट हो, तो लाइन सेगमेंट बी सी लाइन सेगमेंट ए डी को बाइसेक्ट करेगी। गिवन में हमें कहा गया है अगर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी सी बी उसकी अपोजिट साइड पर मौजूद हो, तो लाइन सेगमेंट बी सी इस तरह मौजूद होगी कि लाइन सेगमेंट ए एल लाइन सेगमेंट बी सी के परपेंडिकुलर होगी, लाइन सेगमेंट डी एम लाइन सेगमेंट बी सी के परपेंडिकुलर होगी और लाइन सेगमेंट ए एल लाइन सेगमेंट डी एम के कॉन्ग्रुएंट होगी। इसके बाद लाइन सेगमेंट बी सी लाइन सेगमेंट ए डी को एन पॉइंट पर कट करेगी। प्रूफ हमें ये करना है कि लाइन सेगमेंट ए एन लाइन सेगमेंट डी एन के कॉन्ग्रुएंट है। अब हम इस एग्जाम्पल के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ में हमें सबसे पहले कहा गया है कि ट्राइंगल ए एल एन और ट्राइंगल डी एम एन में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। लाइन सेगमेंट ए एल लाइन सेगमेंट डी एम के कॉन्ग्रुएंट है और ये बात हमें गिवन में बताई गई थी। एंगल ए एल एन एंगल डी एम एन के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों एंगल राइट ट्राई एंगल हैं। एंगल ए एन एल और एंगल डी एन एम कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। ट्राइंगल ए एल एन ट्राइंगल डी एम एन के कॉन्ग्रुएंट है, जिससे ये बात प्रूफ होती है कि लाइन सेगमेंट ए एन लाइन सेगमेंट डी एन के कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।